हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हमेशा के लिए अपने YouTube शॉर्ट को कैसे डिलीट करोगे, क्योंकि आज YouTube शॉर्ट बच्चे लोग देखते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे कुछ गलत सीखते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, या आप किसी भी दूसरी वजह के कारण YouTube शॉर्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर आपको अपने YouTube पे जाना है। YouTube पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको दिखेगा ये कोने में आदमी वाला आइकन, इस कोने में टैप करना है। कोने में टैप करने के बाद ऊपर ही आपको दिखेगा सर्च सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। इस पे टैप करने के बाद आपको ऊपर ही दिखेगा जनरल का ऑप्शन, ये वाला, इस जनरल के ऑप्शन पे जाओगे, फिर आपको मिलेगा प्ले बैक इन फीड, इसको आपको टैप कर देना। ये ऑलवेज ऑन लिखा हुआ है क्योंकि ऑलवेज ऑन से आपको पता है कि ये चालू रहता है। आप वाईफाई ऑन लिख रहोगे तो ये वाईफाई से चालू रहेगा, और ऑफ़ कर दोगे तो ये हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा। अभी तक ऑफ नहीं हुआ, अभी तक आधी सेटिंग बाकी है। तब तक आप पहली बार है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब यहाँ से बाहर आ जाना है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे इस सेटिंग पे जाएंगे, ये रहा हमारा सेटिंग। इस सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिखा हुआ होगा ऐप होगा लिखा हुआ, यहाँ पे आपके भी होगा ऐप्स लिखा हुआ होगा, सेटिंग पे लिखा हुआ होगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, ये रहा हमारा। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आ गए, सी ऑल 19 ऐप्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऐप्स आ गए। ये नीचे यूट्यूब है, इस पर आपको जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज एंड इच कैच, यहाँ से क्लीन कैच कर देना। ये क्लीन कैच करने के बाद आपको वापस अपने यूट्यूब पे आना है, ये रहा हमारा यूट्यूब। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, आपको कहीं पे शॉर्ट नहीं दिख रहा, इसलिए आपके भी ये क्लियर हो जाएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।